नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूज 81 एंटरटेनमेंट में। आइए रुक करते हैं हमारी संवाददाता की एक खास रिपोर्ट पर। एक बार जोरदार ताड़ी ला दो जेड़ा भी प्यार करता है। सो सोंग आया सीगा जी अपना जी मेरा बापू, मैं डेडिकेट कीता सीगा अपने बापू नूं ते इस दुनिया के तमाम सारे पेरेंट्स नूं ते सारे अपने बापूआं नूं, दोवां परिवारां नूं लख लख बधाई। थोड़ा जिहा इको कट कर लिया पिछे मेरे वड्डे वीर राजेश जी, अभिलाष जी, उन्हां तों रिक्वेस्ट करदा हां इधर आ जाओ। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो जी अपने बॉलीवुड सैलीब्रिटीज साडे विचकार। हेलो एवरीवन, मैं अभिलाष कुमार, मैं भी आपके शहर मतलब अपने शहर दिल्ली आया हुआ हूँ और मेरे साथ जो बैठे हैं उनका नाम है शिव चौधरी और आप देख सकते हैं पीछे की शिव वैले मैन पावर सॉल्यूशन इनकी कंपनी है। एंड मैं जब भी दिल्ली आता हूँ या दिल्ली या किसी भी शहर जाता हूँ तो इनकी जो सर्विसेज हैं वो मुझे भाई मेरे प्रोवाइड कराते हैं एक प्यार के तौके में और इनकी बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज हैं, जैसे कैब सर्विसेज हैं, बाउंसर्स प्रोवाइड कराते हैं, ये एक मैन पावर कराते हैं। एंड आई मस्ट से कि ये कुछ ही सालों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और करते करते इन्होंने बॉम्बे में अपना ब्रांच खोला है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट शिव भाई कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। ये तो भाई का प्यार है और बहुत पुराने लेसन है हमारे कि हम भी चाहते हैं भाई हमारे ऐसी तरक्की करते रहे। और अभी इसकी मूवी आई थी वंस अगेन घायल, अब इनकी दोबारा मूवी आ रही है अपना गबरू गैंग, अच्छा काम कर रहे हैं। और आज एक दिल्ली में शादी का आयोजन था तो उन्होंने एक फोन करा सारा काम छोड़कर आगे, जबकि कल इनकी सिस्टर की शादी है, कल कॉकटेल पार्टी है, परसों शादी है जी जी। और आज रात को हम लोग निकलेंगे, आज रात को मैं शिव भाई को अपने साथ किडनैप करके लेके जाऊंगा बॉम्बे और मैं भी हाँ बॉम्बे एक बॉम्बे से दिल्ली एक इवेंट के लिए आया हूँ जहाँ पर मुझे शिव भाई अपने सर्विसेज के साथ ले जा रहे हैं। मतलब आई बी सराउंडेड विद बाउंसर्स एंड एवरीवन, कैब सर्विसेज भी इन्होंने प्रोवाइड कराई है। सो इफ यू लुकिंग फॉर एनी कैब सर्विसेज और मैन पावर आपको चाहिए, बाउंसर चाहिए किसी इवेंट के लिए, किसी पार्टीज के लिए, सो यू नो वे टू कॉन्टैक्ट शिव वैले। एंड लास्ट बट नॉट द लीज, आई वुड लाइक टू थैंक दिल्ली नाउ मैगजीन फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच दिल्ली नाउ। रविंदर हमारे भाई हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी, और भगवान करे उनको ऐसी तरक्की मिलती रहे और हमारा साथ बना रहे उनके साथ। एंड प्लीज सपोर्टिंग प्लीज की जी। मैं एक्टर हूँ और मेरा नाम राजेश भाटिया और अभी मैंने फिल्में की है बहुत सारी, हराने वाली भी है क्योंकि हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इनमें बड़ा जो हम स्टेज पर पहुंचे थे वो भाइयों का प्यार है। तो अभी हमें यहाँ पर जो बुलाया है हमारे शिव भैया हैं, बड़े भाई बोलूँ या छोटे भाई, ये तो पता नहीं कि ये बड़े हैं ये मैं बड़ा हूँ, बट इनसे मिलता हूँ तो एक बड़ी एनर्जी मिलती है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर अपना, एक इन्होंने कंपनी खोली हुई है और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। देखो जी आने वाली फिल्में हैं, अभी मेरी एक पप्पू पनौती करके फिल्म है उसमें मैं लीड कर रहा हूँ। बाकी होता क्या है कि तब तक आपका शूट होकर थिएटर पे ना लग जाए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे तो मेरे बहुत सारे काम हैं, लेकिन डिस्क्लोज करना कल ना आए तो गलत मैसेज जाता है। आएगा, मैंने नाम शबाना की जीनियस की रेज 3 की, उससे पहले एक मेरा छोटा सा सीन था फटा पोस्टर निकला हीरो में, बाकी बहुत सारे सीरियल किए, लेकिन मैं बताता तब हूँ कि तब आ जाए तो मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलूँगा। अभी मेरी पप्पू पनौती आने वाली है और एक दो ऐसी फिल्म है जो आने वाली है, सरप्राइज रहेगा सभी मेरे जो दोस्त लोग हैं। तो ऐसी लाइफ जी रहे हैं हम कि मुंबई में बड़ा स्ट्रगल है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ पे हम लोग ऐसे चीरते हुए आगे बढ़े क्योंकि छोटा छोटा करके बढ़ रहे, क्योंकि हमारा ना तो कोई गॉडफादर है ना हमारा कोई ऐसा कि भाई कोई ऊपर से पैसे लगाने वाला है, हमें तो अपने मेहनत पर, भाई जैसे इनका प्यार, इनकी सपोर्ट और इनकी दुआ, जो अपने लोगों की दुआ और प्यार होता है ना वो आगे लेके जाता है, तो हम लगे हुए हैं उसमें, जैसे शिव भैया भी लगे हुए हैं। तो भाई यही है कि भाई का आशीर्वाद, लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का बना रहे तो हम ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। सपनों की नगरी है, हमने सपना देख लिया और उसे कामयाब ज़रूर करेंगे। मैं शिव चौधरी, शिव मैन पावर सॉल्यूशन यूनिट ऑफ शिव वैले एंड कैब सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बाकी सब भाइयों का प्यार है और हम चाहते हैं कि हमारे चाहे जो भी साथ में टच में लोग हैं वो तरक्की करें, आगे बढ़ें और भगवान करे हमको उनकी मतलब सेवा करने का मौका मिले। जैसा कि हम सिक्योरिटी पर्पज से सिक्योरिटी काम कर रहे हैं तो हमारे राजेश भाई हैं, एक हीरो तो हैं ही हैं ये, और इतना बढ़िया अपना किरदार निभा रहे हैं, अच्छी चीज़ों में सारा देखते हैं। तो मैंने देखा भाई को मतलब रेस 3 में देखा, उससे पहले काफ़ी सारी जीनियस बहुत सारी मूवियों में देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं एक दिन जाकर इनसे मिला और मिलने बाद टाइम बिताया, फिर उसके बाद में मैंने बोला, मैंने कहा भाई कभी आपको सिक्योरिटी की जरूरत हो, कुछ भी जरूरत हो तो हमको बताना,
और आप लोग ऐसी तरक्की करते रहो, हम आपकी सेवा में लगे रहें। और मैं तो चाहता हूँ पूरा भारतवर्ष में जितने लोग हैं सब ऐसी तरक्की करें और हम उनकी सेवा करते रहें, और इस तरह से अपना मतलब जो कंपनी बनाई से मैन पावर सोल्यूशन, उसका उसकी वजह से सबको सेवा देते रहें। जी, मेरा नाम अभिलाष कुमार है और मैं एक बॉलीवुड का एक्टर हूँ, और मेरी लास्ट पिक्चर आई थी घायल वंस अगेन विद सनी देओल 2016 में। सो उसमें मैंने एक विलन की भूमिका निभाई थी, और आप लोगों के प्यार से मुझे बहुत ज़्यादा सराहा गया था। और बस यही है, अब आगे मैं एक पिक्चर है गबरू गैंग जो मैं कभी काम कर रहा हूँ, और वो अभी अप्रैल में रिलीज़ होने वाली है। ये एक पहली पिक्चर है कि जो पूरी की पूरी भारत में शूट हो रही है, और ये काइट फ्लाइंग के ऊपर बनाई जा रही है। सो इट्स अ स्पोर्ट्स जॉनर मूवी। कैसा लग रहा है उसके अंदर आपको? जी, जैसे कि मैंने बताया कि घायल में भी मैंने एक विलन की भूमिका निभाई थी, और इस गबरू गैंग में भी मैं एक एंटी हीरो मतलब एक विलन की भूमिका निभा रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब आज तक काइट फ्लाइंग को एक स्पोर्ट्स के नाम पे देखा नहीं गया है। मतलब अगर कोई पतंग उड़ाता है तो कहते हैं कि उस पर कुछ काम नहीं है, मतलब निकम्मों वाला काम है। बट अगर देखा जाए तो 99 में हम इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया था, जो कि पेरिस में हर साल ये काइट फ्लाइंग के ऊपर वर्ल्ड कप होता है। 99 में जीते, 61 में जीते। सो इट्स अ वेरी नाइस स्पोर्ट जो कि बहुत ही अंडर डॉग है, मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं स्पोर्ट्स को। सो हमारे डायरेक्टर हैं इस पिक्चर के, उनका नाम है समीर खान, जिन्होंने एक इसको एक स्पोर्ट्स का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। आज आप दिल्ली आए हैं किसी फंक्शन अपना अटेंड करने के लिए। जी, सारी सर्विसेज आपको शिवा मैनपावर की तरफ से मिल रही हैं। जी, कैसा फीलिंग है? जी, शिव मैन पावर सोल्यूशन ये मेरे बड़े भाई शिव भाई का है, और मैं जब भी दिल्ली आता हूँ, दिल्ली के मैं किसी भी शहर जाता हूँ, उनका प्यार मेरी तरफ रहता है। और बहुत ही अच्छी इनकी कंपनी है, ये बहुत ही एनलार्ज करा है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बैंगलोर में है, लाइक ही इज़ एनलार्जिंग इज सोसाइटी, और इनकी कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है। और इनके जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, मतलब दे प्रोवाइड वैलेट सर्विसेज, बाउंसर्स, मैन पावर, एंड इट्स अमेजिंग, आई टेल यू। यस, थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में भी बताइए। जी, फिल्म इंडस्ट्री बहुत मतलब एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू अगर कोई खुश हो सके, कुछ थोड़े पल के लिए हैप्पीनेस मिल जाए, सो इट्स अ वेरी नाइस इंडस्ट्री। एंड अभी मोदी जी ने वो भी किया है, कभी हमारे एंटरटेनमेंट टैक्सेस जो है उनको भी कम कर दिया है। सो इट्स अ वेरी लाइक हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से एक ऐसी चीज़ें कुछ सोशल मैसेज तक पहुंच सके आप तक, ताकि आप लोग पे कुछ वो बदलाव आए, या एक आपके पास थोड़े पल की खुशियां आ जाएँ हमारे थ्रू। सो वो हमारी कोशिश हमेशा जारी रहती है। हाँ जी, सब तो पहला तो सारे सुमित उदय फिल्म्स वालों, संदीप गुज्जर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। दोस्तों, मैं तुहाडा अपना संदीप गुज्जर, तुसी मेरे सोंग सुने होने। साडा पहला सोंग सीगा जी गुजरां दा मुंडा, फिर दुनाली, शौकीन ते मेरा बापू। थैंक यू सो मच, तुसी एना ज्यादा प्यार ते सपोर्ट दिता, थैंक यू। इसी के चलते मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। देखते रहिए तब तक हमारे साथ न्यूज 81 एंटरटेनमेंट।